और अब बात इसरो की उस महिला वैज्ञानिक की जिसके बिना इसरो की सफलता की कहानी बेमानी है। हम बात कर रहे हैं अनुराधा टीकी की, जिन्हें इसरो में पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने का गौरव हासिल है। अड़तीस सालों से जुड़ी हैं इसरो के साथ, रंग लाई वैज्ञानिक बनने की लगन, इसरो की सफलता में दिया योगदान। अनुराधा टीके इसरो की नारी शक्ति। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, विज्ञान से जुड़ी ये महिला अब किसी पहचान की मोहताज नहीं। इसरो ने अनुराधा टीके को काम दिया तो इसरो की सफलता ने इन्हें नाम दिया। अब ये नए दौर की महिलाओं की आईकॉन है। इसरो की वरिष्ठतम महिला वैज्ञानिक है अनुराधा टीके, जो 1982 में इसरो में शामिल हुई थी। तब वहाँ गिनी चुनी महिलाएं थीं और इंजीनियरिंग विभाग में तो महिलाओं की संख्या सिर्फ एक या दो ही थी, लेकिन अनुराधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विज्ञान से इस कदर लगाव था कि काम पर कोई असर पड़ने ही नहीं दिया। यही वजह है कि इसरो की पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी अनुराधा टीके। ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂತು. ಅವರು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಸಹ ನೆಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು. ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಅನುರಾಧಾ ಟೀಕೆ ಇಸ್ರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಮ್ ಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇ. इससे पहले वो भारतीय जियोसैट की प्रोग्राम डायरेक्टर थी। अनुराधा कई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अग्रणी रही हैं। बता दें कि अनुराधा का जन्म 1961 में बेंगलुरु में हुआ था और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएट हुई और इसरो से जुड़ गई और अभी सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ये GSAT-9, GSAT-17 और GSAT-18 संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण का निरीक्षण भी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।